बीजेपी ने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसको संबोधित झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। रघुवर दास ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 सालों में इन्होंने कितनी नियुक्ति की है, कितने लोगों को रोजगार दिया है, इसका डेटा देना चाहिए। नियोजन नीति से लेकर सारे नीति कुछ लागू इस सरकार ने नहीं किया है, जो बहुत शर्म की बात है। आइए सुनते हैं रघुवर दास ने क्या कुछ कहा। साथ ही इसके पलटवार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ये जो डेटा मांग रही है रघुवर दास, अगर इनमें हिम्मत है तो केंद्र सरकार मोदी से डेटा मांग कर दिखाए। 2 मिनट में पार्टी से धक्के मारकर बाहर ना निकाल दे तो मेरा नाम भी राजेश ठाकुर नहीं। आइए सुनते हैं राजेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा। उनको बड़ा बड़ा हेडलाइन पेपर का न्यूज बनाया कि हम अपने प्रवासी मजदूर को प्लेन से ला रहे हैं। आज समाचार पत्र में हेडलाइन भी बना, लेकिन उसका पेमेंट राज्य सरकार से नहीं हुआ, उसका पेमेंट आपदा प्रबंधन से नहीं हुआ, क्योंकि वही ठेकेदार रेडी टू ईट का काम करते हैं। और कैबिनेट ने निर्णय लिया जब रेडी टू ईट आंगनबाड़ी की महिला नहीं बनाएगी, अब फिर से ठेकेदार के द्वारा बनाया हुआ रेडी टू ईट। इससे साबित होता है कि सरकार को सिंडिकेट चला। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि एक कहावत है, ऊंट के पालने में ऊंट के पांव पालने में नजर आते, कहावत काफी प्रचलित है। जब सरकार बनी तो कोई भी सरकार राज्य में देश में सबसे पहला जो निर्णय लेता है सवाल पूछना है, वो जनता के हित में लोक कल्याणकारी निर्णय लेते। अगर ये निर्णय लेते, घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत वादे किए थे कि हम 1 साल में 5 लाख नौकरी, 5,000, 7,000 भत्ता, वो निर्णय लेते तो जनता स्वागत करती। वो निर्णय लेते उन्होंने वादा किया था कि हम झारखंड की गरीब बहन को 2,000 रूपया चूल्हा खर्चा दें। उसी तरह जैसे स्किल ने झारखंड में उत्पाद की सिपाही का 518 पद हम लोग ने निकाल दिया, उसको भी इसने रद्द कर दी। झारखंड सामान्य स्थानक स्तरीय 1,090 पद, स्पेशल ब्रांच के आरक्षी के 1,012 पद और झारखंड एन के 1985 पद की स्वीकृति को भी यह सरकार ने बंद। इस तरह हमारी सरकार जो नियुक्ति दी थी और हमने जो 13 जिला शेड्यूल एरिया, 11 जिला नॉन शेड्यूल एरिया, उसमें भी टीचरों की बहाली की थी, उसमें भी लगभग 8,000 से 9,000 टीचर जिसकी नियुक्ति देना था, लेकिन चुनाव घोषणा होने के बाद हम लोग नियुक्ति पद नहीं देते, वो भी आज सोनी का मार के जो हाईकोर्ट में केस किए थे, वहां भी सरकार ने गलत एफिडेविट डाला कि बीजेपी की सरकार की नियोजन नीति गलत है और इसीलिए हाईकोर्ट ने निर्णय लिया। उस समय सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। एक तरफ आप हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की नियोजन नीति खराब है, जिसके कारण हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट के खिलाफ सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह ये सरकार पूरी तरह कंफ्यूज सरकार और झारखंड के बच्चे बच्चियों के साथ पुलिस के साथ खिलवा और नियोजन नीति इन्होंने बनाई। उस नियोजन नीति में भी आप देखिए, उस नियोजन नीति बिना सोचे समझे कि बीजेपी सरकार की नियोजन नीति है, इसको खत्म करो और इन्हें नौकरी तो देना नहीं है, और इसलिए बिना सोचे समझे अपनी अपरिपक्वता माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाई और नियोजन नीति बनाई, जिसमें हिंदी अंग्रेजी का जो पेपर 2 है उसको हटा दिया। और जब किसी अभ्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा, और जबकि इसके इसी सरकार के विधि विभाग के सचिव ने इस नियोजन नीति के खिलाफ रिपोर्ट किया था कि यह गैर संवैधानिक है,
लेकिन अपने सरकार के विधि सचिव के बातों को ना सुनकर आनंद फानंद में इन्होंने नियोजन नीति बनाया और हाईकोर्ट ने भी कमेंट किया ये संवैधानिक अंग्रेजी और हिंदी को आप कैसे हटा दिए। तब इस सरकार की आंख खुली और आपके समाचार पत्र में आप सबने छापा है कि अब उस बहस के लिए 16 लाख रुपये का दिल्ली का में नौकरी मिले ये प्रावधान हमारी सरकार ने की और जिसके तहत हमारी सरकार 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी। अगर मैं 2 वर्ष की खाली बात करूं तो 2 वर्ष में मैं 2 वर्ष की खाली अपनी सरकार की बात करूं हमारी सरकार 2 वर्ष में 18,068 शिक्षक 9,162 पुलिसकर्मी समेत लगभग 31,000 सरकारी नियुक्ति एवं 10,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया। 1 लाख सखी मंडल का गठन कर 15 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। लेकिन 2 वर्ष में ये सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए युवाओं की सरकार बनाइए हम 1 साल में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिल जाती है ग्रेजुएट को 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 और ये घोषणा जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो जी के शहादत दिवस के अवसर पर की थी कि अगर 1 साल में हम 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लें। तमाम बातें समाचार पत्र में 2019 में छपी। झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि 2 वर्ष में अपने कितनी नियुक्ति, लेकिन ये नियुक्ति तो दी नहीं बल्कि 2 वर्ष के अंदर 13,000 युवकों की नौकरी को छीनने का काम, जिसमें लगभग 6,000 पद की नियुक्ति पद को इसमें रद्द कर दिया, पंचायत सचिव के 3,032 पद जिसमें सिर्फ नियुक्ति पद देना था उसको भी 2 वर्ष हो गया आज तक उस पर भी कोई। जिस तरह संथाल प्रगना से लेकर चाईबासा तक, चाहे पत्थर हो चाहे आयरन हो, जिस तरह अवैध खुदाई बालू की जिस तरह, उस पर भी हाईकोर्ट अभी 2 दिन पहले ही माननीय उच्च न्यायालय ने भी अवैध खनिज के संदर्भ में अपनी टिप्पणी, ये जो जल जंगल जमीन खनिज संपदा के बारे में मैं और विस्तृत रूप से 14 जनवरी के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें किस तरह ये अबुआ राज में आदिवासी बबुआ मुख्यमंत्री किस तरह जल जंगल जमीन का दोहन नहीं बल्कि शोषण कर, इसका मैं और विस्तृत रूप से आपको संभवतः 17-18 जनवरी को इसकी विस्तृत रिपोर्ट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये 2 साल में इस तरह भूमाफिया, इस तरह अवैध माइनिंग, इस तरह अवैध बालू, इस तरह अवैध पत्थर, ये सारी बातें आपके द्वारा जनता को अवगत कराने का काम कर। दूसरा, जो झारखंड में सरकार चल रही है मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री आप परिपक्व, ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपने देखा हमारी सरकार ने नियोजन नीति बनाई, उस नियोजन नीति में हमने हिंदी इंग्लिश संस्कृत हिंदी भाषा भाषी उर्दू बंगला और झारखंड की 9 जनजाति भाषा को हमने शामिल की थी और 10 वर्ष तक झारखंड के स्थानीय लोग को ही
राजेश जी, आज बीजेपी ने अभियान निकाला, हमारे प्रधानमंत्री हमारा अभियान, और कहा है कि कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की, अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, ऐसा कहा, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक हुई है तो देश का गृह मंत्री क्या कर रहा है, देश की आईबी क्या कर रही थी, देश का एसपीजी क्या कर रहा था जो उनके साथ लोग चल रहे थे। पहले वैसे लोगों को दंडित करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें गृह मंत्री का क्या संलिप्तता है, आईबी की क्या संलिप्तता है, क्यों नहीं उनको सही बात की जानकारी दी गई। अगर ठीक है, आप मान लेते हैं कि आपने कह दिया कि भैया वहाँ की सरकार उनको डिस्टर्ब, आप क्या कर रहे थे और क्यों सरकार प्रधानमंत्री को डिस्टर्ब करेगी? आपने जितने लोगों को बुलाने का ठेका लिया था वो लोग पहुंचे नहीं थे, तो प्रधानमंत्री जी को लगा होगा कि नहीं जाना चाहिए, तो उस बहाने कई तरह की चीज़ें होती है, उसमें हमें नहीं जाना है। हम ये समझते हैं कि अगर कोई भूल चूक पंजाब सरकार से हुई तो उसके लिए कार्रवाई भी हुई है, पंजाब सरकार के अधिकारी अगर कोई भूल चूक किए हैं तो उसकी कार्रवाई हुई है, दम है तो प्रधानमंत्री जी अमित शाह पर कार्रवाई करके दिखाएं और आईबी के चीफ पे, तो वो तो उनको करना है। अब तो आप ये कहना चाह रहे कि पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है ये मोदी जी का? नहीं, बिल्कुल पब्लिसिटी से ही ये लोग जिंदा रहते हैं और अफवाह फैला करके जिंदा हैं। ये लोग वही लोग हैं जो गणेश जी को दूध पिलाने की बात कह करके पूरे देश को गुमराह करने का काम किया था, इसलिए इन पर बहुत भरोसा करना ठीक नहीं है, समय आने पर सब पता चल जाएगा। अभी बाबूलाल मरांडी और अखबर दास बैक टू बैक पीसी कर रहे हैं और राज्य सरकार पे हमला बोल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ही नहीं, अब अर्जुन मुंडा जी भी उतर गए हैं और दीपक प्रकाश जी पहले से उतरे हुए हैं। चारों आदमी में कंपटीशन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कैसे मात देना है। हमने कहा ना कि आप हमारे प्रवक्ता से बात कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे प्रवक्ता पार्टी की बातों को रखे, हर बात को तो यही लोग रख रहे हैं, इनके प्रवक्ता कहाँ हैं पता नहीं, तो इनमें से तीन आदमी को प्रवक्ता घोषित कर देना चाहिए, आदरणीय रघुवर दास जी को, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को और आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को। अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष अपना बने रहे दीपक प्रकाश जी। आज रघुवर सरकार माफ करेगा, रघुवर दास जी ने पीसी किया और कहा कि दो साल में उन्होंने कितनी नियुक्ति की है, जरा इसका डेटा दे, दो साल में उन्होंने क्या किया, वो डेटा मांग रहे। पहले वो पांच साल डबल इंजन की सरकार में वो क्या किए हैं, दम है अगर एक लाइन पूछने का तो प्रधानमंत्री से पूछ के दिखा दें, आज ही पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। जो प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लोगों को प्रति साल रोजगार देने का वादा किया था, जरा एक क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए, या तो आपको बाहर निकाल देंगे, और अगर उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछ लिया तो वो पार्टी से बाहर निकाले जाएंगे। हल्की बात नहीं करनी चाहिए, संजीदगी से सोचना चाहिए, कोरोना में किस तरह से सरकार ने पहले वो पांच साल डबल इंजन की सरकार में वो क्या किए हैं, दम है अगर एक लाइन पूछने का तो प्रधानमंत्री से पूछ के दिखा दें, आज ही पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। जो प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ लोगों को प्रति साल रोजगार देने का वादा किया था, जरा एक क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए, या तो आपको बाहर निकाल देंगे, और अगर उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछ लिया तो वो पार्टी से बाहर निकाले जाएंगे। हल्की बात नहीं करनी चाहिए, संजीदगी से सोचना चाहिए, कोरोना में किस तरह से सरकार ने काम किया है और किस तरह से जो लोग बेरोजगार होकर आए थे उनको भी रोजगार देने का काम किया, रोजगार के साथ साथ उनको राशन मुहैया कराने का काम किया, राज्य में भूख से मौत की एक भी खबर नहीं आई, इसके लिए राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। जरा सा भी आंख में पानी है तो ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि उस दौरान कौन कौन लोग हॉस्पिटल में गए और जिंदा होकर के वापस लौटे जिंदा, और आज बयानबाजी कर रहे हैं।